तीन तारीख को आ गया था रात को, सुबह बाद से चला गया 4 तारीख को, 7:30 बजे घर से निकल गया। उसके बाद में कोई अता पता नहीं, मेरी गायब है वो। क्या क्या निकला था घर से? बस बोले रोड ड्यूटी पे जाता है उसी हिसाब से। ड्यूटी कहाँ पे है? उसके बाद के अंदर वो वापसी अभी तक आया नहीं है, कोई पता नहीं चला। कितने दिन हो गए? 4 तारीख से गायब है। मोबाइल बंद है उसका। स्कूल के अंदर लाइब्रेरी का अध्यक्ष था, क्या नाम है आपका? अकबर खान। अकबर खान। नंबर को एक पढ़ा का नौजवान जो रघुनाथ गड्ढे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरियन की पोस्ट पे तैनात है, बड़ी दुखद घटना है। परिजन इनके पिताजी साथ हैं, गांव के तमाम गणमान्य वकील साहब सब इस पीड़ा को लेकर, पूरा गांव उस नौजवान की गुमशुदगी से और परिजनों को सांत्वना बनाने के लिए लगा हुआ है। इसी मांग को लेकर आज तमाम ग्रामवासी एसपी साहब से मिलने के लिए हम आए हैं। एसपी साहब को ज्ञापन किया है, 4 तारीख को सदर थाने में FIR दर्ज है, 6 तारीख, लेकिन अभी तक परिजनों को कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने से कुछ गांव के अंदर आक्रोश भी है। इस बात को लेकर हम एसपी साहब से 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल मिला है, उनको अवगत करवाया और एसपी साहब ने बहुत ही धैर्यपूर्वक हमारी पूरी बात सुनी है, आईओ से बात की है और हमें विश्वास दिलाया है कि निश्चित रूप से मैं उसमें पूरा हस्तक्षेप करके इस नौजवान को ढूंढने का पूरा प्रयास करूंगा। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से एसपी साहब ने बात की है परिजनों को, ग्रामवासियों को और हम लोगों को भी उम्मीद है कि एसपी साहब इस पर गंभीरता से एक्शन लेके जो युवा नौजवान हमारे बीच से गायब है निश्चित रूप से वो सकुशल हमारे घर में लुटेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम एसपी साहब को ज्ञापन आए हैं। देखते हैं 2-4 दिन में क्या होता है, उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा।